हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डिटेल लेकर कि BSPHCL बिहार बिजली विभाग ने निकाली है न्यू नोटिफिकेशन, जो कि है आपके जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए, जिसमें निकाले गए हैं आपके 350 पद। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, जिसकी स्टार्ट डेट है 11 मई और लास्ट डेट रहेगी 31 मई 2018। तो जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार बिजली विभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जिसमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जारी किया गया है। इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 350 पद है, जिसमें आपके जनरल एससी एसटी ईबीसी बीसी और फीमेल कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपका जो है ग्रेजुएट होना अनिवार्य है कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, अपीयरिंग जो कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। जो आपका फर्स्ट ईयर है प्रोबेशन पीरियड का, उसमें आपका जो पे बैंड है वह 9,200 से 15,500 रुपए रहेगा। और उसके बाद जो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपका लेवल 4 रेगुलर पे जो है आपका 7 ग्रेड पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं एज की, तो मिनिमम जो एज है वो 21 साल रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए, और जो मैक्सिमम एज है वो जनरल के लिए 37, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 42, ईबीसी के लिए 40, बीसी के लिए 40 और फीमेल जनरल के लिए 40 साल है। एक फिर नोट करने की बात यह है कि जो एससी एसटी ईबीसी बीसी है, ये जो रिजर्व कैटेगरी है ये सिर्फ बिहार राज्य के लिए ही है। यदि आप अदर राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ जनरल में ही काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी किसी भी राज्य की, उसके अलावा जो ये कैटेगरी दे रखी है वो सिर्फ आपके जो है बाहर के राज्य के जितने भी एससी एसटी बीसी ईबीसी है उनके लिए भी जो फीस है वो 1500 रुपए रखी गई है, और जो एससी एसटी है जो डोमिनेशियल और बिहार के राज्य के निवासी है उनके लिए 375 रुपए है, और दिव्यांग एप्लीकेंट जो किसी भी कैटेगरी का है उसके लिए 375 रुपए फीस रखी गई है। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसमें आपका होगा। उसके प्री एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसमें आपका जो रेशो है 1:10 का रखा जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी है, उसका एक मॉक डेमो जो है आपको विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसमें आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रखे गए हैं सीबीटी के अंतर्गत, किस कैटेगरी के कितने मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे नेक्स्ट जो पैरा है उसका मेन एग्जाम है उसमें आने के लिए। इंपोर्टेंट डेट क्या रहेगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग डेट है 11 मई, लास्ट डेट है 31 मई, लास्ट डेट और पेमेंट भी 31 मई है, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अभी फिक्स नहीं है, पर लास्ट वीक ऑफ जून 2018 के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको जो विभाग की वेबसाइट है www.bspscl.bis.nic.in पर जाकर वहां पर एक आपको ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन का, वहां से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके जो स्टेप है वो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल डालनी होगी, उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, पेमेंट और फाइनल सबमिशन करना है, और उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को। तो फ्रेंड, ये है सिलेबस जो कि जूनियर अकाउंट क्लर्क पोस्ट के लिए है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, उसके अलावा आपका जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रेशन एंड जनरल हिंदी, आपका ये 10th लेवल का आएगा। और जो कॉमर्स एक जो अलग से एक सब्जेक्ट जोड़ा हुआ है इसमें, क्योंकि ये जूनियर अकाउंट के ऑफिसर की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, तो इसमें आपकी कॉमर्स मीन्स वाणिज्य से रिलेटेड जो टॉपिक आएंगे उनसे रिलेटेड भी आपको टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो आप फुल इसको पढ़ सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इस सिलेबस और नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर भी आप इसको सही ढंग से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी बिहार बिजली विभाग से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हमारा ऐसे ही आप और वीडियो देख सकते हैं www.youtube.com/24knowledge पे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।